So we were on, what do you want, what do you know about data flow testing? So what is data flow testing? It's one of the white box testing techniques. So data flow testing emphasizes for designing test cases that cover control flow paths around variable definition and their uses in the modules. It accepts test cases to have the following attributes. So kuch attributes hain like the input to the module, the control flow path for testing, a pair of appropriate variable definition and its use, the expected outcome of the test case. So this is the data flow testing. बेसिकली ये व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक्स में से है. सो इतना ज़्यादा हम इसको अपने टेस्टिंग में नहीं करते हैं. सो दैट्स वाई इट्स नॉट दैट मच फेमिलियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ एंड टू एंड टेस्टिंग. सो एंड टू एंड टेस्टिंग क्या होता है? एंड टू एंड टेस्टिंग इज अ टेस्टिंग स्ट्रेटजी टू एग्जीक्यूट टेस्ट दैट कवर एवरी पॉसिबल फ्लो ऑफ द एप्लीकेशन फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश. तो इसमें हर एक स्ट्रेटजी आ जाती है जो हम पॉसिबल फ्लो होता है ना टेस्टिंग करने का, स्टार्ट टू फिनिश तक का हर एक चीज़. एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मिंग एंड टू एंड टेस्टिंग इज टू डिस्कवर सॉफ्टवेयर डिपेंडेंसीज एंड टू एसेट दैट द करेक्ट इनपुट इज गेटिंग पास बिटवीन द वेरियस मॉड्यूल्स एंड सब सिस्टम्स. तो इसमें हमारा बेसिकली ये चेक होता है कि हम सही वैल्यूज डाल रहे हैं और सही से रिजल्ट आ रहा है मॉड्यूल्स में, सब सिस्टम में, इंटर मॉड्यूल्स में, सब कुछ सही से चल रहा है. सो एंड टू एंड टेस्टिंग इज द प्रॉपर फ्लो टेस्टिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर. सो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे इसके बारे में, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में. नाउ लेट्स कम टू इंटरमीडिएट इंटरव्यू क्वेश्चंस. सो बेसिकली ये जो सीरीज है ये बहुत बड़ी होने वाली है एंड इसमें मैं मोस्टली बहुत सारे क्वेश्चंस अलग अलग तरह के, इंटरमीडिएट, प्रॉपर, एक्सपीरियंस वालों के एंड बिगनर्स वालों के, सब कुछ कवर करने वाली हूँ. सो या इनके जो भी लिंक्स होंगे वी विल गिव इन द डिस्क्रिप्शन. एंड हो सकता है कि मैं प्रॉपर एक पूरी एक वीडियो भी इसकी डाल दूँ, प्रॉपर कंप्लीट कट्स ना हो जहाँ पर, तो आप जाके वो भी चेक कर सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट विद द इंटरमीडिएट इंटरव्यू क्वेश्चंस. ओके सो द समटाइम्स कुछ क्वेश्चंस है ना घुमा फिरा के आ जाते हैं. सो लाइक द प्रोबेबिलिटी दैट अ सर्वर क्लास एप्लीकेशन होस्टेड ऑन द क्लाउड इज अप एंड रनिंग फॉर 6 लॉन्ग आवर्स विदाउट क्रैशिंग 99%. तो कोई भी क्रैश नहीं हो रहा है और वो लॉन्ग ड्यूरेशन से चल रही है. टू एनालाइज दिस टाइप ऑफ सिनेरियो विच टेस्ट यू विल परफॉर्म. सो अगर वो इतने टाइम से चल रही है एंड बिल्कुल बहुत अच्छे से चल रही है, तो उस तरह की टेस्टिंग किस कैटेगरी में आती है? सो दैट इज रिलायबिलिटी टेस्टिंग. सो दैट्स वाई आई से कि आपको इन टर्म्स के बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए कि इसका मतलब क्या है. यूजेबिलिटी, रिलायबिलिटी, इन सब चीज़ों का मतलब क्या है? सो दैट जब इंटरव्यूअर आपसे कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इस तरह की टेस्टिंग को बोलते क्या हैं. सो आपको ज़रूरी नहीं है वो आपको डायरेक्ट पूछ लेंगे व्हाट इज रिलायबिलिटी टेस्टिंग, दे कैन आस्क यू इन अ डिफरेंट वे ऑल्सो. So with an example like this. Okay. What will you do when a bug turns up during testing? So अगर कोई बग आ गया है टेस्टिंग के टाइम पे, व्हाट विल यू डू? सो व्हेन अ बग अकर्स वी फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स. वी कैन रन मोर टेस्ट टू मेक श्योर द प्रॉब्लम हैज अ क्लियर डिस्क्रिप्शन, बिकॉज व्हेन एवर वी फाउंड अ बग वी कांट लॉग लाइक दैट ओनली. वी हैव टू फिगर आउट दैट व्हाट इज द एग्जैक्टली द स्टेप्स ऑफ दैट बग एंड क्या वो किसी और सिनेरियोस में भी हो रहा है एंड क्या वो और पेजेस पे भी सेम सेम बग हो रहा है. सो वी हैव टू ट्रबल शूट एवरीथिंग, एवरी पॉसिबल थिंग, सो दैट कि हम अच्छे से क्लियर डिस्क्रिप्शन लिख सकें. वी कैन ऑल्सो रन अ फ्यू मोर टेस्ट टू इंश्योर द सेम प्रॉब्लम डजन एग्जिस्ट विद डिफरेंट इनपुट्स, सेम थिंग विच आई टोल्ड यू अर्लियर. And once we certain of the full scope of the bug, we can add details and report it on Jira, Asana, Azure. There are so many different tools where we log the bugs. We will discuss this about in the later of the section. So that is how we turns up during testing. अगर bug आता है तो हम ये सब चीज़ें करते हैं. Now next is why is it impossible to test your program thoroughly? Thoroughly क्यों impossible है? So here are two principal main reasons that make it impossible to test a program entirely. First is software specification can be subjective and can lead to different interpretations. Next is a software program may require too many inputs and outputs and path combination. So that's why it is little bit impossible to program to test a program thoroughly. Okay, so next question is
हाउ डू यू टेस्ट अ प्रोडक्ट इफ द रिक्वायरमेंट आर येट टू बी फ्रीज्ड. सो इफ अ रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस आर नॉट अवेलेबल फॉर अ प्रोडक्ट, अगर अभी फ्रीज नहीं हुई है, मतलब अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि ये जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं यही रहेंगी, इन दैट केस अ टेस्ट प्लान कैन बी क्रिएटेड ऑन द बेस्ड ऑफ अजम्पशंस, बट वी शुड गेट ऑल द अजम्पशंस वेल डॉक्यूमेंटेड इन अ टेस्ट प्लान. तो अजम्पशंस बना सकते हैं, एक टेस्ट प्लान क्रिएट कर सकते हैं, बट वो हर एक अजम्पशन वेल डॉक्यूमेंट होनी चाहिए टेस्ट प्लान में, सो दैट इन फ्यूचर अगर हमें ज़रूरत पड़े तो वी कैन डिस्कस अबाउट दैम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ़ अ प्रोडक्ट इज इन द प्रोडक्शन स्टेज पे है एंड वन ऑफ इट्स मॉड्यूल गेट्स अपडेटेड, और कोई मॉड्यूल अपडेट हो गया है, सो देन इट इज इट नेसेसरी टू रीटेस्ट. आई थिंक इट्स मिसिंग हियर. सो इट इज सजेस्टेड टू परफॉर्म अ रिग्रेशन टेस्टिंग देयर एंड रन टेस्ट ऑफ ऑल अदर मॉड्यूल्स एज वेल, क्योंकि कुछ ना कुछ आगे पीछे गड़बड़ हो सकती है. सो फाइनली क्यूए शुड कैरी आउट द सिस्टम टेस्टिंग. तो उस केस में सिस्टम टेस्टिंग हो सकती है, रिग्रेशन टेस्टिंग हो सकती है. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू ओवरकम द चैलेंज फेस ड्यूरिंग द अनअवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन फॉर टेस्टिंग. अगेन, अगर आपके आज डॉक्यूमेंट है, आपका जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया वो फ्रीज नहीं हुआ है, या फिर अभी आपके पास अनअवेलेबिलिटी है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है, तो कैसे आप उस चीज़ को ओवरकम करोगे. सो इफ द स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स लाइक सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन और फीचर डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट्स आर नॉट अवेलेबल, देन QAs may have to rely on their following references. या तो स्क्रीनशॉट्स होंगे, या फिर उसका प्रीवियस वर्जन होगा, या फिर वायर फ्रेम्स होंगे. सो दीज आर द फ्यू थिंग्स एंड अनदर द रिलायबल वे इज़ टू डिस्कस विद द डेवलपर्स एंड द बिजनेस एनालिस्ट. इट हेल्प्स इन सॉल्विंग डाउट्स, अगर आपके कुछ डाउट्स हैं, एंड ओपन इट योर चैनल ब्रिंगिंग क्लैरिटी ऑन द रिक्वायरमेंट्स. ऑल्सो द ईमेल एक्सचेंज कुड बी यूजफुल एज अ टेस्टिंग रेफरेंस, अगर आप ईमेल कर रहे हो. And smoke testing is another option that would help verify the main functionality of the application. It would reveal some of very basic bugs in the application. If none of this work, then we can just test the application from our previous experience. तो कुछ पहले के सालों में हमने कुछ similar test करा हो सकता है, like अभी अगर आप e-commerce की application test करना चाहते हो, new e-commerce का आपका जो ये application है, in future आपने कभी e-commerce की application को test किया होगा, तो उसके basis पे आप दोबारा check कर सकते हो. ये last option होता है कि आप previous experience के according check कर लो, otherwise आपके screenshots, previous version of the application, wireframes, डेवलपर से, बिजनेस एनालिस्ट, आप डिस्कस करो कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, और एट द एंड यू कैन यूज योर प्रीवियस एक्सपीरियंस, दैट इज द बेस्ट थिंग. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन रीटेस्टिंग एंड रिग्रेशन टेस्टिंग. सो येस, रीटेस्टिंग और रिग्रेशन टेस्टिंग में डिफरेंस तो होता है. सो वट इज़ द डिफरेंस. सो पॉसिबल डिफरेंस बिटवीन रीटेस्टिंग एंड रिग्रेशन टेस्टिंग इज, we perform retesting to verify the defects. So हम retesting करते हैं ताकि हम check कर सकें कि जो fix हो चुके हैं defect वो अभी reoccur तो नहीं कर रहे. But regression testing जो होती है वो short करती है that the bug fix does not break the other parts of the application. कि जो हमारा bug fix होके आया है वो हमारे और parts को break नहीं कर रहा है. So that is the regression testing. So next is regression test cases verify the functionality of some or all modules. तो ये verify करता है functionality को, कुछ या फिर almost सभी modules को कर देता है कि सबका check, हम सभी check करेंगे ना आसपास की सब चीज़ों को. So regression testing ensures the re-execution of the test cases. इसमें re-execute होते हैं हमारे test cases. Whereas retesting involves the execution of test cases that are failed state. तो retesting में सिर्फ failed वाले करते हैं, but regression में हम ensure करते हैं कि सभी एक बार re-execute हो जाएं. And the last is retesting has a high priority over regression. क्योंकि retesting जो पहले bug था, पहले वो तो check करें कि वो fix हो गया कि नहीं हो गया. So that is on a higher priority than regression. But in some cases both are executed in parallel. But of course हमें ये भी देखना है कि regression हमारे और चीज़ें भी तो नहीं ख़राब हुई, तो of course ये दोनों के दोनों जो हैं वो parallel भी important है. So these are the main difference between retesting and regression testing. So next we will cover in the next session.